नक्षत्र वैदिक ज्योतिष का सार या एसेंस, एक ऐसा वैदिक ज्योतिष का टॉपिक जो आपको ज्योतिष की नॉलेज में नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। पहला नक्षत्र सजिटेरियस का मालिक केतु, नाम मूला। और सब एक बात समझ लीजिए कि केतु के जितने भी नक्षत्र हैं पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्म से रिलेटेड तो है ही है, ठीक है। इसका मतलब कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ पेंडिंग बाकी है जिसको चुकाने आए हैं। अगर चंद्रमा इसमें है, जो प्लैनेट इस नक्षत्र में आ गया उसका पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्म है ही, लगन आ गया तो पिछले जन्मों के काम जो अधूरे थे वो पूरा करने आया। मान लीजिए किसी का लगन सजिटेरियस है और लगन की डिग्री 13.2 से कम है, यानी मान लो 11 डिग्री का है, 8 का है, 7 का है, 6 का है, 2 का है, 9 का है, 13 का है, तो ये इसने कोई काम पिछले जन्म में शुरू किया था जो इस जन्म में उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। समझ गए बात? जो प्लैनेट मूला में चला गया वो प्लैनेट मान लीजिए उससे रिलेटेड आपके पेंडिंग कर्मा है वो आपको चुकाने पड़ेंगे। अगर वो पांचवे का लॉर्ड है तो संतान से रिलेटेड पेंडिंग कर्म है, नाइन्थ लॉर्ड है तो पिताजी से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, फोर्थ लॉर्ड है तो मां से रिलेटेड, सेवन्थ लॉर्ड है तो आपके हस्बैंड आपकी वाइफ से रिलेटेड है। और पेंडिंग कर्मा की जब बात आती है ज्यादातर चुकाना पड़ता है, पेंडिंग कर्मा का मतलब ज्यादातर चुकाना है, ब्लेसिंग नहीं है, पेंडिंग कर्मा है, ब्लेसिंग कुछ और होता है।